नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए डालते हैं नजर आज की इस खबर पर। जनपद झांसी के थाना बबीना अंतर्गत ग्राम संतपुर कोटी से एक 11 वर्षीय बालक के अगवा होने का समाचार प्रकाश में आया है, जहां माही अपने बेटे का अपहरण करके ले गई है। 11 वर्षीय देवा अहिरवार के पिता गंगाराम पुत्र हरिराम अहिरवार निवासी ग्राम संतपुर कोटी थाना बबीना ने बताया कि उसकी पत्नी से विगत 6 माह पूर्व संबंध विच्छेद हो गया था और उसकी पत्नी दिल्ली में जाकर रहने लगी थी। वहीं उसने किसी अन्य व्यक्ति के साथ नाजायज संबंध बना लिए थे और उसी के साथ रह रही है और उसके दोनों बेटे गंगाराम के पास ही थे। गंगाराम ने बताया कि विगत 7 जून को उसकी पूर्व पत्नी माधुरी उसके गांव में 2 4-व्हीलर गाड़ियों से 6 व्यक्तियों के साथ आई और सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास बाहर खेल रहे 11 वर्षीय देवा को गाड़ी में डालकर ले गई। वहां मौजूद ग्रामीणों ने जब इसका विरोध किया तो उक्त माधुरी के साथ आए लोगों ने असलहे दिखाकर ग्रामीणों को शांत कर दिया और बच्चे का अपहरण करके ले गई। गंगाराम ने बबीना थाना पुलिस पर आरोप लगाते हुए बताया कि जब वह उक्त मामले की शिकायत लेकर थाना बबीना पहुंचा तो उसे लताड़ लगाकर भगा दिया गया। केवल प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया गया, किंतु आज तक उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद पीड़ित ने 9 जून को एक प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय झांसी पहुंचकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिया। उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उक्त मामले में ग्रामीणों ने बताया कि गंगाराम अत्यंत गरीब है और जब माधुरी ने उसके बेटे को अगवा करने की वारदात की उस वक्त गंगाराम अपने घर पर नहीं था। वह मजदूरी करने के लिए मध्य प्रदेश के करेरा गया हुआ था। घर में उसके बूढ़े माता पिता थे जो दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे। पीड़ित गंगाराम को तथा उसके माता पिता को इस बात का खतरा है कि कहीं माधुरी उसके बेटे को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना पहुंचा दे, इसलिए गंगाराम पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन पुलिस है कि गंगाराम की समस्या और शिकायत पर तवज्जो नहीं दे रही है। सर, हमारा बच्चा किडनैप हो गया है और कोई सहायता नहीं मिल रही है हमको। किसने किया आपका बच्चा किडनैप? किया माधुरी, उसके साथी ने किया है और उसका भाई आशीष नाम, मनीष नाम का लड़का है। माधुरी आपकी कौन थी? माधुरी पहले तो थी पत्नी, 6 महीने से हमारा उसका बंधन खत्म हो गया है, उसके बाद में वो हो गई, मतलब लापता है वो। आपने अपने करीब पुलिस थाने को इसकी पत्र दिए क्या? ना उसने दिया मेरे को पत्र। आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह दी? हाँ, थाने में एप्लीकेशन दी तो दरोगा जी ने भगा दिया, गाली दे के बना के यहाँ से। यानी कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो अपराधी ने, मतलब जो माधुरी और उसका मनीष नाम का है और जो उसका मैं नाम नहीं जानता, जिसके साथ उसकी टिकटॉक बनी हुई है, उसको सजा मिलना चाहिए। वो माधुरी को और मनीष को सजा मिलना चाहिए। हाँ, हमारा बच्चा किडनैप कर लिया है उसने। कितने बजे की बात है ये? 10:30 बजे 11 बजे की बात है करीब। मैं था बाहर, काम करता था बाहर। हाँ, श्याम लाल है। हाँ, आप क्या चाहते हैं? हम इसमें चाहते हैं जो इनकी गंगाराम के बच्चे का जो अपहरण हुआ है उस पर कार्रवाई हो, उनका बच्चा उनके पास आ जाए और जो लोग ले गए उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये हमारे गांव का मामला है, इन पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। अन्यथा ऐसे बच्चे गांव में घूमते रहते हैं और अगर ऐसा ही होगा तो फिर इस गांव का हाल क्या होगा? आप क्या चाहते हैं? मैं इनका हरिराम का पड़ोसी हूँ और जे इनका नाती को मतलब आ जाए तो अच्छी बात है सर, क्योंकि वो इनकी पहले जो क्या हो गया नाती को? नाती को यहाँ से बहू ले गई है। ले गई कि किडनैप कर लिया? हाँ, किडनैप कर लिया। 2 गाड़ियाँ आई थी सर। हाँ। 2 गाड़ियों में बैठा के वो ले गई है यहाँ, और लोग बागों ने मतलब देखा है उसको कि वो उठा के वो ले गई है। क्यों किडनैप कर लिया? आप कुछ क्या था बताएंगे? ये ऐसा था कि इसका पहले इससे उससे शादी हो गई थी सर। किससे? अब उसी से जो ले गई है, और उसी का वो बड़ा बच्चा है, और अब उसने दूसरा आदमी रख लिया, दूसरी शादी कर लिया, जो भी कर लिया हो, दिल्ली में है वो। अभी सुना है कि दिल्ली में है वो वर्तमान में। हाँ, तो यहाँ से वो बच्चे को ले गई। साहब, हम अपना मतलब पड़ोसी का जो गरीब आदमी है और इनका बच्चा चाहते हैं कि बच्चा आ जाए लौट के वापस। हाँ, ये लोग बिल्कुल गरीब आदमी हैं, कुछ जानते नहीं हैं,
सीधे सच्चे लोग हैं, बिल्कुल गरीब आदमी हैं। अभी राजस्थान से लौट के आए हैं, राजस्थान से ही बच्चे लेके आए साथ में, थाने में मजदूरी करते थे, थाने में इतला दी थी। तो क्या कहा उन लोगों? उन लोगों ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते आपकी मदद। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए बबीना से गौरव कुमार की रिपोर्ट।